तिवारी, दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष तिवारी। तो गाइज बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे थे क्लास टेंथ का साइंस का यूनिट वन क्वेश्चन पेपर का। तो गाइज फाइनली आज हम ये पेपर भी लेकर आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज आपको बताते कि साइंस का पेपर एकदम यूनिक था और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो आपको भी इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। और गाइज आपको इस वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन भी देने वाले हैं, जो कि साइंस के क्वेश्चन पेपर का होने वाला है। तो गाइज अभी तक आप स्टडी विद तरीके सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइबर के बेल आइकन ऑल पर हिट कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इस तरह का वीडियोज लाते रहते हैं। और गाइज आपको बता दें कि चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इस क्वेश्चन पेपर का वीडियोज ऑलरेडी अपलोड है, तो आप लोग नहीं देखो जाकर जरूर वॉच कर लेना। और गाइज इसका पीडीएफ के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो पर 300 लाइक कंप्लीट कर दीजिए तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसके लिए आपको 300 लाइक कंप्लीट करने होंगे। तो गाइज अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इसमें जो हमारा सेक्शन सी आया था बहुत ही अच्छे सेक्शन सी थे, उसके क्वेश्चन जो थे बहुत ही अच्छे थे। तो गाइज आप सेक्शन सी को जरूर से जरूर मिस मत करना, और उसमें जो भी क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस आप लोग जरूर करना, और सारे क्वेश्चन करो या फिर नहीं करो लेकिन सेक्शन सी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करना। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देख सकते हो मेरे ही स्कूल का क्वेश्चन पेपर है सेशन 22 का पीरियोडिक टेस्ट 1। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, यहाँ पे फुल मार्क्स हमारे जो थे 20 मार्क्स का था, टोटल टाइमिंग हमें 1 आवर्स का मिला था। तो गाइस आप लोग का भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस होने वाला है। तो गाइस चलिए यहाँ से सेक्शन ए को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 का ए देख सकते हो कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो गाइस इसमें चार हमारे रिएक्शन दिए गए हैं। इसको सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम को आपको सिंबल में तोड़ देना है, उसके बाद आपको इसका बैलेंस रिएक्शन का इसको बना देना। सबसे पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो गाइस जैसे कि पता है कि हाइड्रोजन हमारा H2 होगा क्योंकि गैस है, और क्लोरीन भी हमारा H2 होगा, ये भी हमारा गैस है। इसको हम कंबाइन करेंगे तो HCl बनेगा, और इसका हम वैलेंसिंग के लिए HCl के आगे 2 लगा देंगे तो दोनों साइड हमारा वैलेंस हो जाएगा। आप लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बगल में आपको दिख रहा होगा। तो गाइस आप इसी तरह से चारों का बैलेंसिंग कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप लोग कीजिएगा। जैसे कि हम आपको एक बता दिए तो आप तीनों का कर सकते हो। तो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। तो गाइस ये आपको पता, इसका राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। पता होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है सो कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी दो सब्सटेंस को हम जब ब्रेक करते हैं तो वो अलग अलग रिएक्टेंट में टूट जाता है, और कम्बिनेशन में हम अलग अलग रिएक्टेंट को जब कंबाइन करते हैं तो कोई एक सब्सटेंस में मिक्स हो जाता है। तो गाइस ये बिल्कुल अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कम्बिनेशन रिएक्शन। गाइस ये बहुत ईजी वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हमारा है व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस गिव एन एग्जांपल। तो गाइस आप लोग जानते हो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है अगर किसी रिएक्शन में कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है तो वो नीचे जाके जम जाता है, तो उसे कहीं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस करते हैं। और सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर देख रहे होगा, बगल में आपको आंसर भी दिख रहा होगा। तो गाइस ये हमारा सेक्शन ए था जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें आए हुए। तो गाइस चलिए सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा सेक्शन बी है यहाँ से स्टार्ट है। पढ़ा था सेक्शन बी को आप बहुत जरूर मिस मत कीजिएगा। सो गाइस सेक्शन बी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो कि स्टूडेंट में काफी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, नोट्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन 3 स्टेप्स में। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले, अपने फोन नंबर से इजी साइन अप कर ले, अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले, सबमिट करे, और फिलो आपको 60 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड टॉपिक पे आते हैं। तो इस बी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोग देख सकते हो, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो गाइस कोई भी सीरीज या फिर पैलर यहाँ पे नहीं पूछा गया था, आपको सिंपली एक सीरीज बना देना जिसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बना दे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह का सीरीज का कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई सिंपली आपको ऐसा एक बना देना था। अगर आपको पैलर का पूछा तो आपको ऐसे ऐसे करके पैलर का ही बना देना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको एक पैलर का ही बना देना था। अगर आपसे कुछ भी नहीं पूछा रहा था, आप अपने मन से सीरीज या फिर पैलर में कॉम्बिनेशन का आप रजिस्टर का बना सकते हो, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेस्ड सो दैट इट्स लेंथ इट डबल, हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज एंड रेजिस्टिविटी चेंज। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको बता दें कि रेजिस्टिविटी तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल पर डिपेंड करता है, और यहाँ पे मटेरियल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, इसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा।
और बात रहा इसके रेसिस्टेंस का, तो इसके रेसिस्टेंस बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी वायर को हम डबल करते, इसका अगर स्ट्रेच करके उसका लेंथ को डबल करते, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाता है। तो गाइस अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाता है तो उसका रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते, जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो। कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाई ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो गाइस इस क्वेश्चन में सिंपली आपको हीट निकाल देना, जैसे कि हीट का फार्मूला आप लोग को पता होगा, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टे, हीट का फार्मूला है। तो गाइस इसमें आपको सिंपली सबसे पहले तो आपको आई निकालना, आई आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, तो गाइस आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में आई निकालना आता है, और आई निकालने के लिए सिंपली आप लोग को फार्मूला पता होगा, I इक्वल्स टू वी आर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कीजिएगा, और आपको यहाँ पे I निकल जाएगा, और I जैसे ही निकल जाएगा तो I का स्क्वायर करके H इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी करके इसका आप आंसर भी निकाल सकते हो। तो गाइस ये हमारा सेक्शन B था, आई थिंक ये हमारा सेक्शन B यहाँ पे कंप्लीट हो गया। गाइस सेक्शन C जो हमारा था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो गाइस जैसे कि आप लोग को हम बता दें कि सेक्शन C जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो गाइस सेक्शन C का 7 नंबर क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट C, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सेक्शन C का फर्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में यहाँ पे ये था कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिंथेसिस। होगा जिसके आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है, सबसे फर्स्ट होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सेकंड होता है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड थर्ड होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। सो गाइस सिंपली ये आपका प्रोसेस हो गया मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेकंड इसी का क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन का, आपको यहाँ पे मैकेनिज्म लिखना है, जो कि आप लोग साइड में देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन का ही मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक यस। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ हॉट एंड लेवल द नेम्स। तो गाइस यहाँ पे आपको हॉट एक दिख रहा होगा उसका डायग्राम के साथ, और उसका नेम्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारे साइंस के एग्जामिनेशन में आए थे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही लिए, आप लोग भी आई होप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो गाइस इसके पीडीएफ के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, और उसके लिए आपको 300 लाइक्स कंप्लीट करने हैं। तो गाइस अभी तक 300 लाइक्स कंप्लीट नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस फ्रेंड में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइस अभी तक आप स्टडी विद तरीके सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर हिट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अपने चैनल पर इस तरह का वीडियोज लाते रहते हैं। और गाइस बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, तो आप लोग नहीं देखो जाकर जरूर देख लेना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस क्वेश्चन पेपर का चाहिए उसका भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ बहुत जल्द।